ब्लैंकेट नहीं ली हूँ एक्चुअली, ये मेरा कार्डिगन है और ये मेरा फेवरेट कार्डिगन है विंटर्स में. लाइक बहुत सर्दी कल से दिल्ली में हो रही है एंड इस सर्दी से बचाने के लिए ये बेस्ट है. ये मैंने लास्ट ईयर लिया था और इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. वेलकम टू टुडे इस वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होप एंड गुड गाइज. आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है. एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिसमस हॉल जो मैंने शीन से परचेज की है. जब वेस्टर्न मुझे खरीदनी होती है तो मैं ऑलवेज शीन से ही खरीदती हूँ, वहाँ पर मुझे बहुत डिफरेंट वेराइटीज मिल जाते हैं, इसलिए मैं शीन ही फर्स्ट ऑप्शन रखती हूँ. सो आज मैं आपके साथ बहुत ऑसम एंड लेटेस्ट कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ जो क्रिसमस के लिए है, न्यू ईयर पार्टीज के लिए भी है, दोनों के लिए बहुत परफेक्ट है. एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के हॉल के लिए क्योंकि मुझे पर्सनली सारे आइटम बहुत अच्छे लगे हैं. आप वेस्टर्न लवर हो, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करते हो तो आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा. तो मैंने बहुत ज्यादा आइटम्स मंगाए हैं और वो अभी आपको देखने को मिलेगी. सो मैंने क्रिएट किया है डे लुक एंड नाइट लुक, मैंने दोनों को ध्यान में रखकर क्रिएट किया है. लाइक अगर डे आउटिंग पे आपको निकलना है तो आप इस तरीके के कपड़े पहन सकते हैं और नाइट पार्टी अगर आपको करनी है तो मैंने बहुत सारे सीक्वेंस वाले कपड़े मंगाए हैं जो कि वो आप पहन सकते हैं. ये दिसंबर का मंथ बेस्ट टाइम होता है पार्टीज के लिए, क्रिसमस एंड न्यू ईयर बहुत सारे पार्टीज होते हैं एंड पूरा सेलिब्रेशन का मंथ होता है ये. इस टाइम पे सर्दी होती है सो सीक्वेंस बेस्ट ऑप्शन होता है इस टाइम पे वेयर करने के लिए क्योंकि एक ही दो महीने होते हैं जहां पे आप सीक्वेंस वेयर कर सकते हैं और वो फैशन में भी है, इन आउट ऑफ फैशन नहीं है. सो सीक्वेंस कपड़े मैंने मंगाए हैं. ये देखिए गाइस, पूरे सीक्वेंस कपड़े आपको देखने को मिलेंगे, पूरे पार्टी आउटफिट आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि भर भर के मैंने सीक्वेंस एंड पार्टी आउटफिट मंगाए हैं क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत एक्साइटेड रहती हूँ. मुझे दिसंबर का महीना बहुत ज्यादा पसंद है, आपको भी पसंद होगा, इतने सारे सेलिब्रेशन होते हैं बैक टू बैक. सो गाइज वीडियो शुरू करते हैं. आज मैं छोटी सी गिव अवे भी कर रही हूँ, सो गिव अवे के लिए इंटर वीडियो देखे, मैं इनमें बताऊंगी गिव अवे में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है. अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना नहीं भूले और सब्सक्राइब करना नहीं भूले. प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट में मुझे जरूर से बताना कि आज के हॉल में आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लगी, डे लुक, नाइट लुक. एंड अगर आपको और भी पार्टीज वेयर देखना है तो वो भी कमेंट में मुझे जरूर से बताएं, मैं वो जरूर करूंगी. सो विदाउट फर्दर एडो लेट्स क्विकली जंप इन द वीडियो. माई फर्स्ट आइटम इज दिस स्प्लिट स्लीव सीक्वेन टॉप एंड बहुत ही ज़्यादा सुपर ब्लिंकी ब्लिंकी टॉप है ये. इसके स्लीव्स पे ये स्प्लिट है एंड यहाँ पे हाफ है, दोनों के तरफ सेम है. जैसे इस तरीके के स्लीव है, लेंथ परफेक्ट है, मटेरियल 100% पॉलिस्टर है. एंड आप देख सकते हैं कि न्यू ईयर पार्टी और क्रिसमस पार्टी के लिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी. लेंथ वाइज भी मुझे बहुत ही ऑसम लगे, मटेरियल भी बहुत ऑसम है, सुपर फाइन है. एंड इस पर मेरा साइज स्मॉल है एंड आई हाईली रिकमेंड दिस वन क्योंकि ये बिल्कुल भी इचिंग नहीं है इस पर और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, अंदर से ये लाइनिंग भी दी हुई है. सो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी. अगर आप किसी भी पार्टीज में जा रहे हो और इस तरीके के सीक्वेंट पहनना चाहते हो तो आपके लिए परफेक्ट है. सो उस सीक्वेंट टॉप के साथ मैं स्कर्ट पेयर कर रही हूँ. एक्चुअली मैंने मंगाई थी एक लेदर पैंट बट वो मुझे रिसीव नहीं हुई, सो मैं ये स्कर्ट पेयर कर रही हूँ. ये रिब नीट साइड स्लिट स्कर्ट है एंड 100% रेयन मटेरियल है, बहुत ही सुपर फाइन मटेरियल है, साइड स्लिट के साथ है ये, आप देख सकते हैं. एंड जिनको भी शॉर्ट ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं है और थोड़े से वो यू नो स्टाइलिश भी देखना चाहते हैं उनके लिए ये परफेक्ट है. मैं हाईली रिकमेंड करूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ. सो इस तरीके की स्कर्ट अगर आप अपने वार्डरोब पे रखते हो तो आप उसको किसी भी टॉप या फिर किसी भी क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हो ऐसे पार्टीज के लिए और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूंगी. एंड इस पे मेरा साइज मीडियम है. मॉक ने ग्लिटर टॉप एंड ये बहुत ही ग्लिटरी ग्लिटरी टॉप है, आप देख सकते हैं. इस पर मेरा साइज मीडियम है एंड इस पर और भी कलर्स ऑप्शन आपको मिलेंगे एंड विंटर्स के लिए परफेक्ट है. अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है तो आप रात में आराम से इसे पार्टीज में वेयर कर सकते हो या क्लबिंग के लिए और क्लबिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, प्लस नाइट पार्टीज के लिए कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो. इसके साथ आप ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक कोट भी डाल सकते हो, ये आप टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पर कैसे स्टाइल करते हो. एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ऑसम है एंड मैं इसे भी
हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि पहनने पे बहुत औसम लग रही है। एंड इसके साथ मैंने सेम ये स्कर्ट पेयर करा है, इस टॉप के लिए ही मैंने ये स्कर्ट मंगाया था, उस सीक्वेंट टॉप के लिए मैंने कुछ और मंगाया था जो कि मुझे रिसीव नहीं हुई है। सो दोनों के साथ मैं सेम स्कर्ट पेयर कर रही हूँ एंड स्कर्ट में भी आपको बहुत सारे कलर्स ऑप्शन मिलेंगे। Until the very last hour, we still got few more days to slay. It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all. सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी वो मेरी फेवरेट है इस हॉल में एंड मैंने स्पेशली इसे क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी के लिए मंगाया है। सो ये रेड कलर की सीक्वेंट ब्लेजर जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर फाइन ऑसम मटेरियल है। सीक्वेंट जो होते हैं वो बहुत चुभते हैं बट ये आपको बिल्कुल भी हार्श नहीं लगेगी, वरना बाहर से भी इसे हार्श बिल्कुल भी नहीं लग रही है। एंड मटेरियल पॉलिस्टर है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ये, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो लाइक इस काइंड ऑफ ब्लेजर में क्योंकि ये सालों साल टिक जाती है एंड बहुत तरीके से आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। सो मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा ऑसम लगी, पार्टीज के लिए अभी परफेक्ट है। न्यू ईयर पार्टी अगर क्रिसमस पार्टी आपको रॉक करना है तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। थोड़ी सी प्राइसी है बट वर्थ है, इस पे कोई भी पॉकेट आपको नहीं मिलेगी, ये फेक पॉकेट है एंड ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है मुझे। माई नेक्स्ट आइटम इज दिस क्रोकोडाइल कैमी बॉडीकॉन ड्रेस एंड फिटिंग वाइज बहुत ऑसम है। लेंथ भी इसकी परफेक्ट है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, परफेक्ट स्टैंडर्ड लेंथ है इसकी एंड थोड़ी सी सी थ्रू है बट आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ब्लेजर के साथ मुझे लगता है कवर हो जा रही है, बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। एंड इसका मटेरियल पॉलिस्टर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि बहुत ही चीप प्राइस में मुझे मिली है, लाइक 350 और 400 रुपीज़ की मिली है। एंड बेस्ट पार्ट है ऐसे ब्लैक ड्रेसेस का कि आप अगर इस तरीके में कुछ हैं तो आप बहुत सारे विंटर्स के टाइम स्पेशली आप बहुत सारे वे में स्टाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी ब्लेजर डाल सकते हैं, जैकेट डाल सकते हैं, बूट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल करके डाल सकते हैं मैचिंग करके। सो मल्टीपर्पज यूज हो जाती है, सो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूंगी। इस पे आपको और भी कलर्स ऑप्शन मिलेंगे बट मैंने थोड़ी सी सेफ साइड रख के ब्लैक मंगाया क्योंकि ब्लैक में बहुत तरीके से अभी यूज कर सकती हूँ एंड आई रिकमेंड दिस वन। What does perfect even mean? Is there even such a... My next item is this paper bag roll hem crop pant and ये brown color की satin kind of material है। इसकी बहुत ही super gorgeous pant है, आप देख सकते हैं छूने पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ऑसम है एंड मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। मेरा इस पर साइज है मीडियम एंड यहाँ पे ये रोल की हुई है, सो बहुत ही ऑसम लग रही है एंड आप इसे अगेन डिफरेंट डिफरेंट टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आई एंड मैंने भी इसे स्टाइल करा है दो टॉप के साथ जो भी आपको देखने को मिलेगी एंड आई हाईली रिकमेंड दिस वन क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या है कि ये कलर आपको ब्राउन कलर है एंड ये कलर आपको ज़्यादा मिलती नहीं है, प्लस ये सैटिन काइंड ऑफ मटेरियल में बिल्कुल भी ये कलर नहीं मिलती है। सो ऐसा कुछ कलर जब मुझे मिलती है डिफरेंट तो मैं उसे ले लेती हूँ एंड पहनने पे बहुत कंफर्टेबल है। हाईली रिकमेंड दिस वन। पैंट के साथ ये पेयर कर रही हूँ मेश पैनल क्रॉप टॉप एंड ये क्रॉप टॉप है, कुछ इस तरीके से मेश डिज़ाइन नीचे की तरफ बनी हुई है और मटेरियल को आप देख सकते हैं लैक्रा काइंड ऑफ मटेरियल है जिसपे लिखी हुई है रेयन बट मेरा साइज इस पर मीडियम है एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा ऑसम लगी। अगेन ब्लैक कुछ आपके वार्डरोब पे 100% होना चाहिए क्योंकि जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपके पास बहुत सारे कलर्सफुल पैंट है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पहने, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है किस तरीके का बहुत ही सेक्सी सा टॉप है ये, मुझे बहुत ज़्यादा लगी और मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। हाँ प्राइस के अकॉर्डिंग मटेरियल इसकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने इसके लिए 450 समथिंग पे किया है, 450 के हिसाब से इसका मटेरियल मुझे काफी अच्छी लगी एंड आई रिकमेंड दिस वन ऑल्सो। कॉस पार्टी का टाइम है एंड मैंने आपको बोला कि यही मंथ है जिसपे आप सीक्वेंस पहन सकते हो और मैंने भर भर के सीक्वेंस मंगाया है क्योंकि मुझे पर्सनली सीक्वेंस बहुत ज़्यादा पसंद इस टाइम में पहनने को। सो ओपन फ्रंट सीक्वेंस कोट है ये एंड ये शॉर्ट स्लीव के साथ है। अगेन आप मटेरियल में जूम इन करके दिखा रही हूँ कि कितना खूबसूरत है और कितना गॉर्जियस लग रहा है। इस पर मेरा साइज स्मॉल है एंड मैं इसे भी रिकमेंड करूँगी, 100% पॉलिस्टर मटेरियल है इसका और मैं इसे पेयर कर रही हूँ ये मैच टॉप एंड पैंट के साथ जो कि बहुत ज़्यादा गॉर्जियस एंड ऑसम लग रहा है।
एंड आप मुझे बताएं कि आपको ये लुक कैसी लग रही है. और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. ये थोड़ी सी लाइट वेट है, लाइक अगर आप बहुत हेवी नहीं पहनना चाहते हो पार्टीज़ में, आपको ओवर कोट जैकेट पहनना पसंद नहीं है, बट आपको ठंड लग रही है, आपको सर्दी लग रही है और आप थोड़ा सा कवर अप चाहते हो, तो उसके लिए ये सीक्वेन टॉप बेस्ट है. जिनके यहाँ एक्चुअली दिल्ली में बहुत सर्दी होती है, बट मुंबई कोलकाता ऐसे जगहों पर सर्दी उतनी नहीं होती है, तो उन लोग वहाँ पर जहाँ पर सर्दी नहीं होती उनके लिए परफेक्ट है. और मुझे बहुत पसंद आई. ये छूने पे बिल्कुल भी आपको हार्श नहीं लगेगी, कोई इचिंग नहीं लगेगी, क्योंकि मोस्टली सीक्वेंस टॉप में होता है कि वो बहुत ज्यादा चुभती है. ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई रिकमेंड दिस वन. What does perfect even mean? Is there even such a thing? My next item is this loose knit curved hem sweater. Actually शीन के नाम बड़े अजीब से होते हैं. सो गोल्डन कलर की सीक्वेंस स्वेटर है ये, आप देख सकते हैं पूरी स्ट्रिप लगी हुई है सीक्वेंस वाली, बहुत ही अच्छी ब्लिंक कर रही है. एंड ये कलर बहुत ज़्यादा ऑसम है, लाइक गोल्डन कलर आपको बहुत पसंद होगा, सभी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बट बहुत कम देखने को मिलता है या परफेक्ट गोल्डन कलर की कुछ नहीं मिल पाती. सो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी, बहुत ज़्यादा ऑसम है. लेंथ वाइज भी बहुत परफेक्ट है, ये आपको बहुत ज़्यादा वार्म नहीं रखेगी, थोड़ी सी सी थ्रू है तो हॉट पैंट वगैरह आपको पहननी पड़ेगी. एंड इस पर मेरा साइज स्मॉल है और मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि मुझे मेरी सेकंड फेवरेट है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. What does perfect even mean? Is there even such a thing? मैं नेक्स्ट आपको दिखाने वाली हूँ अगेन एक सीक्वेंस पैंट जो कि मैंने बहुत ही मन से मंगाई थी और मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि हॉल सीक्वेंस में आपको ज़्यादा मिलेगी. सो कुछ इस तरीके की सीक्वेंस पैंट है ये एंड फ्लेयर पैंट है. आप ये देखिए थोड़ी सी यू नो भालू भालू वाली फीलिंग आ रही है. सो जब मैंने इसे पिक्चर में देखा था और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और जब मुझे ये रिसीव हुआ तो मुझे पता है ये क्या लगी, लाइक पुराने मूवीज़ आते हैं ना, वो हॉरर मूवी, पुरानी हवेली एंड जो पुराने भूत वाले जो फिल्म होते थे, तो उनमें भूत जो होते थे ना वो कुछ इस तरीके का पजामा पहनते थे. बिल्कुल पहनकर अभी आप देखोगे ये बिल्कुल वैसी लग रही है. सो और ये पहन जब आप इसे पहनोगे तो बहुत आपको इचिंग होगी, बहुत अंदर शिप चुभेगी. तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे इसे लेकर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये पैंट को लेकर, क्योंकि टॉप्स तो मैंने बहुत सारे मंगा लिए थे बट लोअर पैंट्स एंड स्कर्ट मैंने ज़्यादा नहीं मंगाया था, तो मैं इसे पेयर करने वाली थी डिफरेंट तरीके से बट वो हो नहीं पाया. सो मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी. हॉल में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर किसी कोई भी लेना चाहता है तो प्लीज़ इसे नहीं ले क्योंकि बहुत इचिंग होगी, इवन आप बैठ नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो, फिटिंग भी बहुत अजीब है. सो पुरानी हवेली की भूत वाली फीलिंग आपको 100% आएगी अगर आप इसे रियल में देखोगे तो. सो प्लीज़ इसे बिल्कुल भी नहीं खरीद. सो गाइज अभी तक मैंने आपको नाइट के आइटम दिखाए हैं जो आप नाइट पार्टी में वेयर कर सकते हो. अब मैं आपको दिखाऊंगी डे में पहनने वाली ड्रेसेस जो आप क्रिसमस के डे टाइम में पहन सकते हो. तो डे टाइम की ये मेरी स्कर्ट है जो पेपर बैग वेस्ट है एंड प्लीटेड स्कर्ट है. ये लेंथ बहुत ऑसम है, इनर लाइनिंग के साथ है, आप देख सकते हैं पिंक एंड बहुत ही खूबसूरत सी पिंक है, उसके साथ रेड कॉम्बिनेशन है, बहुत ही लाइट वेट है, 100% पॉलिस्टर मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है एंड मुझे बहुत ज़्यादा ऑसम लगी ये. सो ये इनर लाइनिंग के साथ है, तो सी थ्रू का बिल्कुल भी टेंशन नहीं क्योंकि शीन के स्कर्ट में मोस्टली इनर लाइनिंग नहीं होती है तो उसके वजह से काफ़ी सी थ्रू होती है. इस पर मेरा साइज मीडियम है एंड मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यू नो ऑसम मटेरियल है ये एंड पहनकर भी बहुत ऑसम लग रही है. एंड स्कर्ट के साथ पेयर करा है मैंने ये सॉलिड बोट नेक ड्रॉप शोल्डर स्वेटर. एक्चुअली ये एक साइड ड्रॉप करने वाली स्वेटर है एंड बहुत ही ऑसम मटेरियल है. कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पिंक कलर है एंड दोनों बहुत अच्छे से मैच हो गया. सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. सो मैंने इसे इन करके नहीं पहना है, मैंने इसे आउट करके ही स्वेटर पहना है क्योंकि अभी बहुत फैशन में है इस तरीके का ड्रेसेस, जो वन पीस लुक भी, जो एक ड्रेस की लुक, जो एक मिनी ड्रेस की भी लुक दे देती है एंड स्कर्ट और टॉप थोड़ी फैशनेबल. मुझे अभी इस टाइप के स्टाइल बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्कर्ट के साथ ब्लेजर बेल्ट और फिर क्योंकि सर्दी चल रही है तो विंटर के टाइम में स्वेटर के साथ स्कर्ट, वो भी बिना इन किए. एंड इसके साथ मैंने पेयर करा है ये बेल्ट जो कि सीन से है एंड ये शूज़ काफ़ी पुरानी है, अगर लिंक मिलती तो मैं दे दूंगी और मुझे ये लुक काफ़ी पसंद आई. आपको कैसी आई आप ज़रूर बताना. सो डे टाइम के लिए परफेक्ट है. टीनेज के लिए स्टाइल मैंने क्रिएट नहीं किया है, वो भी पहन सकती हैं बट डिफरेंट डिफरेंट एज के लोग होते हैं, लाइक 25 to 30 के बीच में जो रहते हैं उनके लिए परफेक्ट है, उन पर बहुत अच्छी लगेगी. जिनको शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनना है प्लस स्टाइलिश लगना है, सो मैं उनके लिए रिकमेंड करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा ऑसम लगे.
Pictures. My next item is this floral प्रिंट फ्लाउंस स्लीव ड्रेस एंड रेड एंड ब्लैक कलर की बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस है. मैंने बहुत ज़्यादा रेड नहीं परचेज की थी सो मैंने सोचा कुछ रेड ऐड करते हैं क्योंकि क्रिसमस हॉल बन रही है सो रेड बहुत ऑसम लगती है. कुछ इस तरीके की ड्रेस लग रही है. मटेरियल 100% पॉलिस्टर है. बहुत ही ज़्यादा सुपर फाइन मटेरियल है एंड सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है. इस पर आपको कुछ भी वेयर करने की ज़रूरत नहीं है और मैंने इसे स्टाइल करा इस बेल्ट के साथ जो कि शीन से है एंड ये लॉन्ग बूट्स जो मैंने अभी रिसेंटली एक महीने पहले मंगाया ये भी शीन से है. और अगर आप है अगर आपके यहाँ सर्दी ज्यादा है और आप डे के टाइम में कुछ एक्स्ट्रा वेयर करना चाहते हैं तो ब्लैक कार्डिगन इस पे वेयर कर सकते हैं. ब्लैक ब्लेजर इस पे वेयर कर सकते हैं. ब्लेजर की लिंक मैं दे दूंगी. सो मुझे बहुत ज्यादा ऑसम लगी और मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि बहुत ही ऑसम फाइन मटेरियल है ये एंड इस पे मेरा साइज मीडियम है. Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging. My next item is this hem eyelet sweatshirt. White color ki sweatshirt hai ye aap dekhe and बहुत ही ऑसम है. यहाँ पे इलास्टिक मिलेगी जिसे आप आराम से फिटिंग कर सकते हैं और इस तरीके की कुछ डिज़ाइन आपको मिल रही है जो कि थोड़ी थोड़ी स्पार्कल लगी हुई है तो बहुत ही ऑसम लग रही है. आप इसे नाइट के टाइम भी वेयर कर सकते हैं एंड आप इसे डे के टाइम भी वेयर कर सकते हैं. सो ये मल्टीपर्पस यूज़ हो जाएगी एंड इस पर मेरा साइज स्मॉल है और ये मुझे मिली है करीबन 650 की एंड ट्रस्ट में इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा सुपर फाइन है. मैं हाईली रिकमेंड करूँगी. 600 के हिसाब से बहुत ही ऑसम मटेरियल है. एक्चुअली इसके प्राइस 1200 समथिंग थी बट अभी जब मैं इसे बाय करने गई थी तो काफ़ी कम हो गई थी तो मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई और मटेरियल बहुत ही सुपर फाइन बहुत ऑसम है. हाईली रिकमेंड करूंगी एंड इसके साथ मैंने सेम पैंट स्टाइल करा है ये सैटन ब्राउन वाली जो कि मैंने आपको बोला आप डिफरेंट स्टाइल कर सकते हैं. सो डेड लुक के लिए परफेक्ट है ये वाइट पॉम्प के साथ और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई. What does perfect even mean? Is there even My next item is अ स्वेटर जो कि क्रिसमस के लिए इसको देखकर आपको क्रिसमस वाली ही फीलिंग आएगी लाइक जिंकल बैल जिंकल बैल जिंकल ऑल द वे यही फीलिंग आएगी. सो माय नेक्स्ट आइटम इज दिस स्टार प्रिंट स्वेटर रेड एंड वाइट एंड परफेक्ट है क्रिसमस के लिए. अगर आप कोई गैदरिंग में जा रहे हो क्रिसमस गैदरिंग में तो उसके लिए परफेक्ट है एंड नीचे की तरफ देख सकते हैं पूरी रिब्ड है एंड फ्रंट पे भी सेम है बैक पे भी सेम है और बहुत ही ज़्यादा वार्म रखने वाली है आपको. बहुत ही सुपर फाइन मटेरियल है. मुझे बहुत ज़्यादा ऑसम लगी एंड इस पर मेरा साइज स्मॉल है एंड आई रिकमेंड दिस वन ऑल्सो. मैं यहाँ पे सारे ही रिकमेंड कर रही हूँ एक दो को छोड़कर क्योंकि मुझे सारे के सारे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं. दैट्स व्हाई Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me. My next item is this snake print shawl collar blazer and super fine material है इस blazer की जो कि मुझे बहुत awesome लगी. winter में आप एक black sweater के साथ भी wear कर सकते हैं and इसके साथ मैंने same matching करके अलग से लिया है snake print pant and pant का size मेरा medium है. blazer का size small है and इस पर same मैंने ये black color की top wear करी जो पहले मैं आपको दिखा चुकी हूँ and बहुत ही ज़्यादा color जो लग रही है मुझे बहुत super fine लग रही है. belt भी sheen से है and मैं दोनों को highly recommend करूंगी क्योंकि दोनों के स्टफ बहुत ऑसम है. मैंने स्नेक प्रिंट बहुत सारे पहना है बट पिंक कलर का मैंने कुछ ट्राई नहीं किया था. ये पहन के मुझे बहुत ऑसम लग रही है. आप नाइट के टाइम में विद ब्लेजर पहन सकते हैं. डे के टाइम में आप सिर्फ वैसे टॉप के साथ भी पहन सकते हैं. सो रेड कलर बहुत लोग पहनते हैं क्रिसमस में बट आई थिंक थोड़ा डिफरेंट कलर भी ट्राई करना चाहिए इसलिए मैं ये कलर ऐड कर रही हूँ और दोनों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी. Disgusting with myself and I'm disgusting
नेक्स्ट आइटम इज दिस लैंड पॉकेट प्लेटेड फ्लटर स्लीव जंप सूट रेड कलर की, बहुत ही ऑसम जंप सूट है, डे टाइम के लिए परफेक्ट है, लाइक क्रिसमस का टाइम एंड रेड कलर बहुत ही खूबसूरत लगती है. 100% पॉलिस्टर मटेरियल है, मटेरियल बहुत ज़्यादा ऑसम है एंड इस पर मेरा साइज मीडियम है, बहुत अच्छी फिटिंग है, इसकी स्लीव बहुत ही परफेक्ट है, नेकलाइन थोड़ी सी डीप है, उस पर आपको कुछ ब्रालेट या फिर कुछ भी वेयर करना पड़ेगा एंड बैक पे इसकी लॉन्ग चेन है जो कि वेयर करने में काफ़ी ईजी होती है एंड इसके साथ मैंने पेयर करा है ये सॉलिड ओपन फ्रंट प्लफी कोट जो कि वाइट कलर में, इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिलेंगे. इस पर साइज स्मॉल है एंड बहुत ज्यादा वार्म ये आपको नहीं रखेगी बट आपको बहुत ठंड भी नहीं लगेगी. बहुत ही ज्यादा ऑसम जैकेट है ये, बहुत ही खूबसूरत, हाईली रिकमेंड करूंगी मैं जंपसूट एंड ये कोट को, जो कि आप आराम से इसे रात में भी कोट के साथ वेयर कर सकते हैं एंड विटॉट कोट आप दिन में भी वेयर कर सकते हैं. सो मुझे दोनों बहुत ज्यादा पसंद आया, हाईली रिकमेंड. एक्चुअली हम मैंने ये पैंट मंगाया है, अगर आपने मेरी प्रीवियस हॉल देखी है शीन की तो आपको पता होगी कि मैंने ऐसा सेम ब्लेज़र एक मंगाया था जो मैं हॉल में शेयर कर चुकी हूँ एंड मुझे इसकी पैंट नज़र आई. सो मैंने साथ में पेयर करने के लिए ये मंगा लिया क्योंकि मुझे पैंट सूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं करीबन एक साल पहले बहुत ज़्यादा पहनती थी, इस साल मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था पैंट सूट से बट मुझे ये बहुत ज़्यादा ऑसम लगी क्योंकि वो ब्लेज़र बहुत ऑसम थी. सो मैंने ये पैंट मंगा लिया एंड इस पर मेरा साइज़ लार्ज है और बहुत ही ऑसम है, पॉलिस्टर मटेरियल है, आप देख सकते हैं. सो मैंने स्टाइल किया है वो ब्लेजर के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड टॉप, ये टॉप रेड कलर की आप देख रहे हैं, ये स्कर्ट की सेट है जो मैंने स्टाइल करा है, लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और मैं इसे रिकमेंड करूंगी अगर आप पैंट सूट के फैन, अगर आप पैंट सूट के फैन हो तो आप इसे ज़रूर बाय करो. आप पेयर बना सकते हो पूरी, बहुत ही गॉर्जियस लग रही है एंड डे टाइम के लिए आप इसे वेयर कर सकते हैं, लाइक अगर आपकी कोई भी ऑफिस पार्टी हो या कुछ भी ऐसा हो फॉर्मल टाइप ओकेजन, तो उसमें आप इसे आराम से वेयर कर सकते हैं. इन फ्यूचर में आप इन फ्यूचर ब्लेजर एंड पैंट को भी आप अलग से वेयर कर सकते हैं. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules? गिव अवे, ये बहुत ही छोटी सी गिव अवे में, क्योंकि ये गिव अवे किसी एक को ही मिलेगी. ये मेरे ट्रू सब्सक्राइबर के लिए है. अगर आप मेरे हॉल वीडियो देखकर शॉपिंग करते हो या कपड़े खरीदते हो या अभी तक आपने मेरे हॉल वीडियो देखकर कुछ भी खरीदा है तो उसका फोटो आपको मुझे शेयर करना है इंस्टाग्राम या फिर मेरे ईमेल आईडी पे, जिस पे आप कंफर्टेबल हो उस पे शेयर करो. इंस्टा हैंडल एंड ईमेल आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एक फोटो आपको क्लिक करनी है मेरे स्टाइल में, वो सेम कपड़ा पहनकर, और मुझे इंस्टाग्राम और ईमेल जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो उस पे सेंड करना है. जिसका स्टाइल भी मुझे पसंद आएगा मैं उसे पिक करूंगी क्योंकि ये एक ही विनर हो सकता है. छोटी सी गिव अवे है ये, मैं ऑन ऑफ सडन प्लान करके रखा है, एक छोटी सी क्रिसमस गिफ्ट मेरे तरफ से जिनका भी स्टाइल मुझे पसंद आएगी. सो गिव अवे विनर जो भी होंगे उनको मिलेगी एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस जो कि शीन से है एंड मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको क्या मिलेगी. सो ये वी नेक की ड्रेस है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का है एंड यहाँ पे ये स्लिट आती है और ये बैक में फुली चेन है. सो इसे आप किसी भी ब्लेजर या फिर अगर आप शॉर्ट्स नहीं पहनते हो तो स्टॉकिंग्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं एंड इस पे मेरा साइज मीडियम है. मैंने मीडियम मंगाया है क्योंकि मीडियम टू लार्ज को आराम से फिट हो जाएगी, स्मॉल को भी फिट हो जाएगी, थोड़ी सी स्ट्रेचेबल ड्रेस है ये. सो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फोटो शेयर कीजिए, तो जिनका स्टाइल भी अच्छा होगा मैं उनको पिक करूंगी. क्रिसमस के दिन मैं विनर अनाउंस कर दूंगी अपने कम्युनिटी पोस्ट या इंस्टाग्राम पे. सो इंस्टाग्राम में, अगर इंस्टाग्राम में अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम हैंडल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए. पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे.